सारी संगत नु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हफ्तावारी जो क्लास होंदी है और ओदे विच असी किसी भी वीर दे राही या भैन दे राही गुरबाणी दे उत्तम ख्याल गुरबाणी दे सागर दे विचों जो भी अपने स्टडी करके साडे नाल विचार साझा करदे हन ते एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म हैगा ते असी बिल्कुल वेट कर रहे हैं आप जी दे विचारां दी। बहुत टॉपिक साझा हो चुके हैं, बहुत असी वेट कर रहे हैं सेशन दी। ते ओवर टू यू जसमीत सिंह जी। हां जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल मेला पंजवा पिंगुल पर्वत पार परे खल चतुर पकीता अंधुले त्रिभवन सूजया गुर पेट पुनीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पये चीता रहाओ ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता सिंह बिलाई होए गयो त्रिण मेर दिखीता श्रम करते दम आड़ को ते गणी तनीता कवन वडाई कह सको बेअंत गुनीता कर कृपा मोह नाम दे नानक दर सरिता कवन वडाई कह सको बेअंत गुनीता कर कृपा मोह नाम दे नानक दर सरिता। भागा वालियों जिस शब्द का पाठ हुने ही असा सारिया ने सुनिया ते कीता है ये शब्द गुरु अर्जन साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया राग बिलावल अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 809 पर सुभायमान है। गुरु अर्जन साहब इस शब्द राही समुची मनुखता नू समुची मानवता नू की उपदेश बख्शते पे ने समझन दा विचारन दा यतन करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला चलदी मर्यादा नू मुख रखते हुए आओ एक बार फिर दोबारा सारे फतेह नाल सांझ पाईए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख लई दुनिया दे विच जेड़ी भी चीज जेड़ा भी कंसेप्ट जेड़ी भी सोच इंपॉर्टेंट होए महत्वपूर्ण होए उस चीज नू उस कंसेप्ट नू मनुख नू बार बार चेता कराया जांदा है रिपीट कराया जांदा है। दूजी चीज जेड़ा भी कंसेप्ट जेड़ी भी सोच जेड़ा भी थॉट प्रोसेस मनुख लई इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण है उस चीज नू उस कंसेप्ट नू चंगे ढंग नाल समझ लेना अत लाजमी है बड़ा जरूरी। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अंदर एक थाई नहीं अनेक थावां ते वख वख उदाहरणां वरत के मनुख नूं बार बार संगत की अहमियत दसी गई बार बार वख वख उदाहरणां दे के समझाया गया भलिया पुरखा तू केड़ी संगत करनी है ते भलिया पुरखा तू केड़ी संगत नहीं करनी। उहदा कारण कबीर साहब का एक बड़ा प्यारा बोल मैनूं आरंभ विच चेते आया
कबीर साहब कहते पे ने कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दह दिश जाए। मन की है विचारा दा संग्रह, मन दे विच ए कपैसिटी है कि मनुख दा मन मनुख को रब वर्गे काम करवा सकता है, पर मन की एक हालत बन गई कि मन पंखी वांग हो गया ते पंखी एक थां ते टिकदा नहीं है, पंखी थां थां ते उड़दा रहिंदा है। मैं भी अपने मन दे नाल फुरने उठते गए ते मैं उड़दा रहा, मैं टिक ना सकया, इस करके डोलदा रहा, कदी सड़कां ते भंगड़े पाते ते कदी डिप्रेशन विच आ गया क्योंकि टिक ना सकया। कबीर साहब कहिंदे ने कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दां दिश जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए, जो जेहो जी संगत करेगा एहो जे फल प्राप्त करेगा। इस करके गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी दे विच जिथे एक पासे क्या मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया, सत दी संगत कर ली तू तर जाएगा, ते दूजे पासे कह देंगे मारी मरू कुसंग की, कुसंग करेगा ते तू मरेगा। जिथे एक पासे कह दिता संगत करिए साध की, साध की संगत करिया कर, ते दूजे पासे कह दिता साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए पाग, साकत दा संग ना करी दूरों पर जाए। हुन समझना पड़ेगा कि किसी बंदे नू साकत क्या, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो बिल्कुल स्पष्ट कर दें दी है ना कि बुरा नहीं सब भला ही है रे। फिर किसी बंदे नू साकत की, किसी बंदे नू साध किया जा सकता। हुन ए की टॉपिक चलता पे, ए समझन तू पहला, सब तू पहला समझना पेगा संगत दा मतलब की है। की केवल बंदियां दे इकट्ठ नू संगत कहिंदा है? जे बंदियां दे इकट्ठ नू संगत किया जाए ते असी वेखदे आ कई जगह ते अनेक बंदे इकट्ठे हुंदे ने एक जगह ते, पर उधर मनुख दे विकास दी, दुनिया दे प्रगास दी, किसी नू मोटिवेट करन दी, किसी नू अपने पैरां ते खड़े करन दी कोई गल नहीं, बस केवल एक दूजे नू निंदन दी गल कीती जांदी है कि असीं उस नू संगत कहांगे। सवाल अज खड़े होंगे। दूजा भाव निकलेगा कि केवल दो बंदे भी इकट्ठे हों कि वो संगत नहीं कर सकते, बल्कि दो बंदे छड्डो। मान लो एक कल्ला बंदा है, हुण कल्ला बंदा किसी कारणवश इहो जिहे देश विच है, इहो जिही जगह ते, इहो जिहे शहर विच है जिथे एह जे रूप विच संगत नहीं कर सकता कि वह संगत को वांझा रह जाए। नुक्ते समझन वाले ने ते इस नुक्ते नु असी सारे अज सिखन बैठे हुण, क्योंकि सिखन बैठे हाँ इस करके बैठे हैं क्योंकि असी अपने आप नू सारे सिख अखवांदे हैं। पर वह भी ना साडा एक बहुत वड्डा दुखांत वापर गया क्योंकि संगत किने करनी है यह समझना होएगा ते सिख कौन है पहला यह समझना पड़ेगा, क्योंकि असी ऐलान करते हैं कि असी सिख हाँ, कोई दो राय नहीं, पर सिख की परिभाषा है कि है। साडा ना एक बहुत वड्डा दुखांत है वापर है कि जेड़ा बंदा ना साडे वर्गे काम करे, साडे वर्गा लिबास पाए, साडे वर्गा दिखे, साडे वर्गी जगह ते जाए, साडी सोच नू फॉलो करेंगे, असी कहेंगे वाह वाह बल्ले बल्ले ते बड़ा वड्डा गुरसिख है। पता क्यों करते हैं? असी केवल उदी तारीफ नहीं करते पे होंगे, असी इस करके ए चीज करते हैं क्योंकि जिस कम करके मैं उदी तारीफ करता पाया ना वो सेम कम ते मैं करदा, मतलब इनडायरेक्टली मैं दसारना चाहता कि मैं किन्ना वड्डा गुरसिख, क्योंकि असी हर चीज बारली तौर ते सीमित कर दूंगी। पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी स्पष्ट कर दी है भलिया पुरखा तू समझना चाहता है ना संगत का भाव की है, उदे लई समझ जा सिख कौन है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी स्पष्ट कर दी है सिख दी जो असल परिभाषा है। गुरु साहब स्पष्ट कर देने सो सिख सखा बंदप है भाई जे गुर के भाने विचारे। असल दे विच ओ सिख है जिसने अपने आप नू गुरु दे भाने दे विच राजी कर दिता। इन सिंपल वर्ड्स जो सच दी विचारधारा मैनू समझ आंदी पई है, ओ सच दी विचारधारा नू जदों मैं अपनी जिंदगी दे विच लागू करना शुरू कर दिता उसनू कहिंदे ने सिख। गुरु साहब स्पष्ट करदे ने सो सिख सखा बंदप है भाई जे गुर के भाने विच आवे। हुण अगली पंक्ति वल ध्यान दो, अगली पंक्ति विच गुरु साहब कहिंदे पए ने अपने भाने जो चले पाई। देखो उत्थे ए नहीं कहिंदे पए अपने भाने जो सिख चले पाई, कहिंदे पए ने अपने भाने जो चले भाई विछड़ चोटा खावे। जिहड़ा अपना भाना चलेगा उहदे सिख वर्ड दूर कर दिता, जिहड़े अपने भाने पे चलदा पे चोटा खांदा पे दस मैनूं सिख किवें हो सकदा।
गल नूं होर नेड़े ले आईए। हुण सच्चे ज्ञान ने सानू समझा दिता गुर समान तीरथ नहीं कोई। सच्चे ज्ञान ने सानू समझा दिता कि जेड़ा गुर विवेक सतसर है, सच्चे ज्ञान ने समझा दिता गुर दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया दुरमत मह ले रहे। पर हुण पता मेरी सोच भी तो आएगी ना, पर मैं भी तो बड़ा सियाना, मैं कहंगा हाँ यह सब तो ठीक है, पर जेड़े लोग कहंदे ने थोड़ा बहुत लोग इलाज भी तो जरूरी है ना। जो सानू सदिया तू दस्या जा रहा है कि वह गलत साबित हो गया, क्यों? क्योंकि असं अपनी हों नूं पट्ठे पाने। गुरु कहंदे पे जे भलिया पुरखा तू अपने पाने, यह हर जगह से अपनी पर करदा पे ना, सच समझ के भी उसनू इग्नोर कर दें। गुरु साहब कहंदे पे ने सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाने बिचावे सच्चे ज्ञान आसे अपनी जिंदगी बना ली वो सिख है। पर अगे कहंदे पे ने अपने पाने जो चले भाई बिछड़ चोटा खावे, जे तू अपनी ही मत लागू करना चाहता चोटा खाएगा, जेड़ा चोटा खाता पैंता सो सिख किवें होए। गल होर स्पष्ट हो जाए, गुरु साहब कहंदे ने जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले। सिख की परिभाषा की कीती जेड़ा सन्मुख है, सिख की परिभाषा की कीती जिसने अपने आप नू समझ लिया कि जो मैं एक दी गल करदा पिया, जिसने समझ लिया सबैगट राम बोले दी गल करदा पिया मैं सब दा हिस्सा हाँ, उस सच्चे ज्ञान दे नाल जिंदगी जीनी शुरू कर दी। जिंदगी का एक परस्पेक्टिव आ गया, जिंदगी जीन की एक जुक्ति आ गई। पल्ली मैं रुका, मैंने एक चीज चेते, एक बहुत ही प्यारी किताब है क्योंकि इतने मैं चेता आया जे को सिख गुरु से ती सन्मुख हो, सन्मुख होने की गल चलती पई है। वह सन्मुख मनुख होएगा जो ज्ञान के सामने अपने आप की जिंदगी गुजारेगा ना, जिंदगी का एक ऑब्जेक्टिव आएगा। एक बहुत प्यारी किताब है ट्यूजडेज विद मोरी। उस किताब ना एक राइटर एक बड़े उदा एक प्रोफेसर उन्होंने कुछ दसदा पे है, राइटर उसको जो एक चीज बयान करता है, मैं थोड़ा पैराफ्रेज जरूर करांगा। वो कहता है कि जदों असी दुनिया वाल झात मारते हैं ना, असी वेखते हैं कि लोग आसे पासे हर जगह ते घूमते पए ने, पर जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। अगे एक चीज होर बड़ी प्यारी लिखता है, वह लिखता है जो तू बंदियां वाल ध्यान नाल झात मारो ना, वह अद्धे सुते नजर आते हैं, भावें वह काम कर रहे हो जो उन्होंने हिसाब नाल इंपॉर्टेंट हो। साड़ी हालत नहीं है, जो कोई मिले फतेह बुलाई की हाल ने, चढ़ती कला है जी, उन्होंने नाल बस 15 मिनट बैठ जाओ कि चढ़ती कला है पता लग जाती है। वो की बोलीए यार, ऑफिस वाले कख नहीं सुनते, बिजनेस का तो बेड़ा गर्क हो, घर वाले एक चीज नहीं मनते, गुरुद्वारे जाओ हल्का जो रुमाला साहब उत्ते थले हुए सेवादार दे गल पै जाते हैं, प्रबंधकों ने इन्हों क्यों बुलाता, हर चीज के हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम तो लभनी है, पर कहे कि चढ़ती कला। गुरु कहता पे कि भलिया पुरखा नहीं है, सन्मुख की परिभाषा नहीं, और राइटर बड़ी प्यारी चीज है, और कहें कि जो बंदियां वाल झात मारो जिस चीज नूं वह कहते हैं ना, यह चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर जो उन्हें जिंदगी वाल झात मार के देखो वह काम कर भी रहे होंगे ने, अद्धे सुते हुए। असं भी जो काम करते हैं जो साडे शोल्डर इस तरह होन अद्धे मरे मिटे हो, ये सोच के देखो कि असं किधर ना किधर वो काम करते पे। राइटर अगली लाइन लिखता है क्योंकि मनुख अपना फोकस अपनी एनर्जी उन्हां चीजों में पा रहा है जिन्हां चीजों का लाभ कोई फायदा कोई नहीं, अनप्रोडक्टिव जिंदगी। अगे एक पॉइंट होर लिखता है, वो कहता है जे तू अपनी जिंदगी नू प्रोडक्टिव बनाना चाहता है, मीनिंगफुल बनाना चाहता है ना, तीन चीज कर। पहली चीज अपने आस पास लोगों नू मुहब्बत करनी शुरू कर दे। दूजी चीज लर्न टू केयर अबाउट योर कम्यूनिटी। ते तीजी चीज कहंदा है जिंदगी दे विच ना क्रिएटिव बन। जो चीज तेनू लगती पई है जिंदगी दे विच परपस है, किसी चीज का मीनिंग है ना, उस चीज दे प्रति क्रिएटिव बन, वो तेनू जिंदगी जीन दा एक नवा नजरिया देगी, फिर तू बिना किसी सोच दे जिंदगी नहीं गुजारेगा। मैं वो पढ़ते सोचता पिया सी हे सिखा जे तू मूल मंत्र दे अर्थ ही समझ ले आंदे ना, तेनू इस चीज की लोड़ ही नहीं पैनी सी। गुरु साहब जो चीज समझांदे पैने भलिया पुरखा यही तो है कि तू जिंदगी जिस चीज नाल जींदा पए, तू जिंदगी जींदा चज गवा बैठा है, इसलिए गवा बैठा है क्योंकि तू पढ़दा जरूर है घट घट मैं हर जू बसे, पर तू यह समझिया नहीं कि मैं उस घट का हिस्सा हाँ जिसनों पढ़ता पे करता पुरख है, पर भलिया पुरखा तू सारे काम से डिस्ट्रक्शन वाले करता पे, तू कि क्रिएटिव काम किया।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਧਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਸਿੱਖ। ਜਿੱਧਰ ਬੇਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਵਰਡ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਤਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਧਰ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਵਰਡ ਫਿਰ ਗਾਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਜਿੱਧਰ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਧਰ ਬੇਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਿੱਖ ਵਰਡ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਸਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਅਸਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਚੀ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਹੋਏ, ਪਿਓ ਹੋਏ, ਤਾਇਆ ਹੋਏ, ਮਾਮਾ ਹੋਏ, ਮਾਸੀ ਹੋਏ, ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਾ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਪੂਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧੇਲੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਠੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੱਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੌੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ। ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾ ਆਈ, ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਦਲ ਲਿਆਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏਗੀ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਆਏ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਵੀ ਉੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੈ ਪਵਨ ਗਵਨ ਕੈ ਬਰਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾ ਆਈ, ਬੱਦਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੈ ਪਵਨ ਬਹਾਦਰ ਬਿਲਾਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾ ਆਈ, ਆਏ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਵੀ ਉੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬੜਾ ਕੀਮਤ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂੰ ਜਲਪਾਨ ਕੀਏ ਰਹਿਤ ਅਰੋਗ ਦੇਹੀ। ਕੋਈ ਜਲਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਅਰੋਗ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ,
ਕਾਹੂ ਜਲਪਾਨ ਕੀ ਰਹਿਤ ਅਰੋਗ ਦੇਹੀ ਕਾਹੂ ਜਲਪਾਨ ਵਿਆਪੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਬਿਜਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਪਾਕ ਸਾਕ ਸਿੱਧ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ, ਸਿਲੰਡਰਸ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਵਾਇਲਡ ਫਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲੀ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੀਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਪਾਕ ਸਾਕ ਸਿੱਧ ਕਰੇ, ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਭਵਰ ਜਰਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਦਾਹਰਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕੈ ਹਾਰ, ਬਹੁਬਿਧ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੰਪੁਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਨਾ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਅਸਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਮਨ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਉਹ ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਪਦ ਪਾਇਆ ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੱਤੇ ਉੱਗ ਜਾਣ, ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੇੜਾ ਉਹ ਚਾਹ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਹਰਿਆਵਲ ਉਹਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਸਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 45% ਆਣ, 50% ਆਣ, ਉਹ ਕਹੇ ਯਾਰ ਕੱਲ ਮੈਂ 98.9% ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕੇਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੇਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕੇਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੂਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਿਦਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਚੱਜ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜਿਉਂ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਏ ਸਾਕਤ ਸੰਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਹੁਣ ਹਵਾ ਆਈ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹਿਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਦਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਓ ਜੀ ਲੱਭੋ ਹੁਣੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਸਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਉਗਲਾਨਾ,
हर हर आन मिलायो गुर साधु, हर हर आन मिलायो गुर साधु, मिल साधु कपट खुला ना। उस गुरु नू साध क्या जदू ज्ञान दे आसरे मैं जिंदगी की जीती ते मैं भी अपने आप नू सोधना शुरू कर दिता। इसनू कहंदे ने संगत करिए साध की। दूजे पासे की कहंदे ने साकत संगना कीजिए, दूरे जाइए पाग। असी पता की कहंगे ए बंदा साकत है इससे दूर रहो। करदे आ ना असी गुरुद्वारे विच भी करदे आ, नहीं नहीं इन्हां तों ते दूर ही रहो, इन्हां नाल ते असी गल नहीं करनी। फिर जिहदे नाल नहीं बनने असी फिर पंक्तियां में चट कह दिंदे आ, मूर्खे नाल ना लुजिए। असी कहंगे ए पंक्ति गुरु साहब ने उच्चारण नहीं कीती सी ताकि असी किसी नूं मूर्ख कह सकीए ना। किसी भी बंदे नूं साकत कहा नहीं जा सकता। असी अपनी जिंदगी वल झात मारीए, कोई कोई दिन इहो जे आंदे ने जिधर असी बड़े चज दे काम करदे आ, ते कोई कोई दिन इहो जे आंदे ने जदों सोचीदा कि है यह काम भी मैं कीता सी। सोचीदा ना जे अगर यह दिन कदी नहीं आए ना असी अपने आप नूं अपने जीवन वल कदी झात नहीं मारीए। जिधर असी कदी अभी हमेशा यह सोचते रहे ना कि असी हर वक्त ही साध वाले काम कीते ने, कदी भी अपने किए हुए कामां ते सोच किसी दा कैन दैट परसन बी मी। जे अगर आई है ना सोच फिर असं किसी नूं साकत नहीं कहांगे। साकत की है गुरु साहब स्पष्ट करते हैं। राती ना एक बंदा पूरी रात एक बच्चा लाइब्रेरी विच पढ़ता रहा, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, उसका नतीजा कि निकलेगा चंगे नंबर नाल पास होएगा, चंगी नौकरी लगी, अपने पैरों से खड़ा होएगा। उसी रात एक दूजी रात उसी लाइब्रेरी के एक चूहा बढ़ गया। बच्चे ने भी मेहनत की, चूहा भी मेहनत पूरी करता पे, वह भी पूरा समा कि गुजारता पे किताबा के नाल, पर उस बच्चे ने उन्हें किताबों को पढ़िया, चूहा ने उस किताबों को बर्बाद किया। बच्चे नू की लभ्या चंगे मार्क्स, चूहे नू की लभेगा अगले दिन लाइब्रेरियन चूहेदानी लैके आएगा। बच्चों हुण तू नहीं बच सकता। गुरु साहब स्पष्ट करते हैं साकत की आवरदा, आवरदा का भाव जीवन जिंदगी उम्र एफर्ट्स। साकत की आवरदा जाए बिरथारी जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावा। जब चूहा है ना लाइब्रेरी में राती टुक टुक के हर चीज मेहनत करता पे, कोई डाउट नहीं, पर वो देखो बर्बादी वाले काम करता पे। साकत की आवरदा जाए बिरथारी जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत, काम नहीं गवारी। बस जेड़े भी काम डिस्ट्रक्टिव ने, जेड़े किसी भी पासे कंस्ट्रक्टिव ख्याल वल नहीं लेके आन देंदे, उसनू कहंदे ने साकत संग। इस करके गुरु साहब कहंदे पे ने साकत संग ना कीजिए, दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसीए तो कछ लागे दाग। चिट्टे कपड़े पाए नाल काला पांडा होए, काले पांडे नू कुछ नहीं होना, साडा चिट्टा कपड़ा ही खराब होना है। ओ भलिया पुरखा जे तू गलत सोच दा संग करदा रहेंगा ना, जे तू दुविधा विच रहेंगा हर वक्त, जे तू अपनी जिम्मेवारी आप नहीं सामेंगा दुविधा विच रहेंगा, फिर उसनू कहंदे ने साकत का संग। पर अज दे विचार अधीन शब्द विच गुरु अर्जन साहब सानू समझांदे पए ने भलिया पुरखा महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। हे मेरे मित्र, ए गुर दे संग करन दी इंपोर्टेंस सुनते सही, जदों तेरी सुरत मत मन बुद्ध ने सच दा संग कीता। पता है इंपोर्टेंस की, वैसे ना नाल लफ्ज वरते हैं मीता, मीता दा पावे मित्र। गुरु साहब ने एक चीज बड़ा प्यारा स्पष्ट करते ने, सतगुर मित्र मेरा बाल सिखाई। मैनू ना कपूर दी एक लाइन चेते आई, कपूर लिखता है कि किसी दा भी बचपन दा दोस्त बनन ले पूरी उम्र निकल जाती है। समझ पाई, मैं रिपीट करा, कहिंदे किसी दा बचपन दा दोस्त, हुण कोई होए अगर 8 साल दा 6 साल दा, वो ऐ ते नहीं कहेगा ना ए मेरे बचपन दा दोस्त है, पर जदों कोई हो गया 30 साल दा 40 साल दा 50 साल दा 60 साल दा, ऐ कहेगा ना इस ए मेरा दोस्त कॉलेज दे टाइम दा, ए मेरा दोस्त स्कूल दे टाइम दा, मैं नौकरी शुरू की थी उस वक्त दा मैं जानदा, हुण देखो इन्ने साल दोस्ती निभाई ना। गुरु साहब कहंदे पए ने, पता एक दूजी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिहड़े साडे सब तों करीबी मित्र होंदे ने ना, साडे दिल दे भेद सब तों पहले उन्हां नूं पता होंदे ने।
क्यों? क्योंकि सानू पता होंदा कोई प्रॉब्लम है, वो पैनिक नहीं करेंगे, किसी होर नूं दसो हो सकता है पैनिक कर जा। दूजी चीज पता है कि यह मैनू जज नहीं करेंगे, मैं किसी होर नूं दसूंगा मैनू जज करेंगे। सब तो करीबी होंदे ने दोस्त, गुरु साहब कहंदे पे ने हे मेरे मित्र तेन मैं अज इंपोर्टेंस दसन जा रहा, जदों तेरी सुरत मत मन बुद्ध ने सच की संगत की इंपोर्टेंस सुन, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई। जिंदगी दे विच जो तेनू मैल लगी हुई सी ना, ए चली गई। मैल केड़ी? जन्म जन्म को इस मन को मल लागी। देखो एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो रही है, इधर कोई भी अर्थ हुण साडे शरीर ते नहीं कर सकते, जे संगत साडी सुरत ने करनी है ते मैल भी साडी सोच नूं लगी। पढ़ते हो ना रोज सवेरे, भरिए हथ पैर तन दे, अगे की आंदा पानी धोता है, वो त्रस्खे बिल्कुल स्पष्ट है। अगे होर आ गया, मूत पलीती कपड़ होए, फिर जवाब देता कि मैं इलाज है, दे साबुन लई है वो तो है। हुण आ जाओ असल गल वल, भरिए मत पापा कै संग, जिहड़ी मेरी मत है मेरी थॉट प्रोसेस है वह पाप नाल भरी पई है, वो धुप है, साबुन नाल नहीं पानी नाल नहीं, वो धुप है। ना वे कह रंग, नाव नाम का मतलब हुक्म, सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखानी है, एको नाम हुक्म है, नाम हुक्म है। जदू समझ लिया कि मैनू जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ सिया, समझ आवांगा फिर नहीं ए जड़ी मैल है ए क्यों हुई है। सवेरे भी किसी नाल गल चलदी पई सी, मैं गल दसी, मैं कहा कि जदों कोई थर्मामीटर मूंछ पाए तो सामने आए 98.6, असि की कहने कि इस बंदे नू बुखार नहीं है, सब नॉर्मल है, क्योंकि एक कुदरती नियम बने है कि एक बॉडी का नॉर्मल टेंपरेचर 98.6। कुछ दिन बाद थर्मामीटर लगाया, मान लो 100 दे कोल है, असि की कहने एक आम बोली विच बुखार है। बुखार बीमारी नहीं है, बुखार निशानी है कि कोई चीज की गड़बड़, राइट। बुखार इन इटसेल्फ बीमारी नहीं है, वो दिखांदी कि कोई चीज गड़बड़ है। की गड़बड़ हुई है कि मेरा शरीर कुदरती नियम तो उल्ट हो गया है, जो असल बॉडी टेंपरेचर होना सी वो नहीं रहा, हूं उल्ट हो गया। असि की करते हैं, डॉक्टर को जाने, डॉक्टर की करता है, हूँ वो देखते कि यह टेंपरेचर क्यों बढ़िया है, की चीज हुई है, इन्हें की खाया है की पीता है, जिस करके हो सकता है इतने पेट की समस्या है, सिर की समस्या है, गले की समस्या, किधर प्रॉब्लम है, जिधर इस वक्त कोई चीज गलत वापरती पई है। जिम्मे होंगे नहीं है किसी के विह से जाओ, असं कहने 1000 रुपये शगन दिता है, घट्टो घट 500 रुपये का तो खा ला, भावें पूरा पेट भरया हो, फिर भी कहेंगे कि नहीं हूँ भावें दही पल्ले दे विच पल्ले ना पाओ, रसगुल्ले पा के खा लो, पर खाना तो क्यों खाना है, क्योंकि है कि घट्टो घट उस वक्त मनुखी मन में लालच काम करता पे। जो चीज नियम तो उल्ट चली गई है, उल्ट चली गई है, वो चीज नुकसान करती है। डॉक्टर की कर दे, डॉक्टर की खोज नहीं है, डॉक्टर ने नियम नू समझ के यह समझे कि केड़ी चीज नू वापस नियम दे विच लेके आई। जदों वो परहेज रखिया, वो दवाई खाई, मैं कहती नहीं मैं रोज चिट्टे छोले पूड़ियां नहीं खानिया, मेरा मन करे तां भी मैं ब्रेड पकौड़े नहीं खाने, मेरा मन करे तां भी जाके हर वक्त वड़ा पाव नहीं खाने, जलेबियां नहीं खानियां। हुण मैं संयम रखना शुरू कर दिता तो उहदा नतीजा की निकलेगा, बॉडी टेंपरेचर फिर दोबारा 98.6 तक आ जाएगा। हुण इहदा भाव की निकलिया, जदों मैं कुदरती नियम दे विच चलांगा मैं आप प्रोडक्टिव रहांगा, मैं क्रिएटिव बनांगा। जदों कुदरती नियम तो उल्ट चला गया मेरे जीवन दे विच की लगनी है, मैल। तो उस मैल ने साफ किवें होना है, मैल ने साफ होने का एको एक तरीका है, हुक्म दे विच नियम दे विच वापस आ जाना। जदों यह चीज स्पष्ट हो गई, गुरु साहब कहते पे ने तेनू मैं इंपोर्टेंस दसदा पाया ना, सच दे संगत की, सच दे संगत की इंपोर्टेंस है। मैल खोई कोट अग हरे, तेरे करोड़ों पाप दूर हो जाएंगे। करोड़ा पाप दूर होने का मतलब अपराध मनुख शरीरक तलते करता है, अपराध लई कानून दे विच सजा है, पर अपराध जन्म लैंदा पाप तो,
पाप होंगे मनुख के सुरत विच। इस करके गुरु ने स्पष्ट किया, गुरु ने सानू अपराध करन तो नहीं रोकिया। गुरु कहते भलिया पुरखा अपराध तो बड़ी दूर की गल है, अपराध ने जन्म लेने पाप, तू है सिखा तू पाप भी ना करी, पाप कमांद तेरा कोई ना वेली रम, तू पाप भी ना करी। जो ओ पाप दा भाव वह बुरे ख्याल मेरे जिंदगी दे विच आ गए सी, जिन्हों ने संस्कार बन के जिन्हों के थ्रू मैं कम करने सी, ओ करोड़ा पाप ओ थॉट प्रोसेस भी जदों सच दी संगत की झटके विच दूर हो गए। बंदा पूरी उम्र जींदा आया ना, नहीं नहीं इस जगह ते यात्रा कीतियां मेरे सारी चीजा मैनू मिल जाएंगी। बंदा पूरी उम्र डर डर के जिंदगी जींदा आया ना, बंदा पूरी उम्र किसी ते डिपेंड होके जिंदगी जींदा आया ना, पर जदों सच दी संगत कर ली एक झटका लग्या, ओ नहीं गुरु साहब ने मैनू भी समझाया सी, ओ पलिया पुरखा अपनी जिंदगी अपने हाथ विच लै, सच दे आसरे जिंदगी जी, देख तेरी जिंदगी किन्नी सोहनी बन जाएगी। मैल खोई, मैल दूर हो गई, कोट अग हरे, नतीजा की निकलेगा, मैल गई तो बंदा की हो जाएगा, निर्मल मैल तू रहत, निर्मल पए चीता, ए मेरा चित है ओ मैल तू रहत हो जाएगा। जदों बॉडी ते शरीर ते भी मैल लगी होए, बंदा ना के आया बिल्कुल साफ सुथरा फ्रेश फील करता है ना। जो साड़ी सुरत मत मन बुद्ध ते मैल लगी हुई सी, जदों वापिस मैं नियम दे विच आ गया, ओ मैल उतरी, मैं फिर दोबारा की फील करांगा, फ्रैश। हुण जदों फ्रैश फील किया उसका नतीजा की निकलेगा, पहले बंद विच गुरु साहब स्पष्ट कर देने, पिंगुल पर्वत पार परे। जेड़ा पिंगला भी है ना वो पर्वत की चोटी ते चढ़ जाए। पिंगल कौन? अपाहज, जिदे हाथ पैर काम ना कर दे हो। रहाओ दे विच असी समझे, गुरु साहब अज दे शब्द विच संगत की इंपोर्टेंस बयान करते पैने कि संगत दे नाल की ट्रांसफॉर्मेशन होंगी है। असी यह भी समझ लिया संगत शरीर करके नहीं, संगत कहते ने उस असर नू जो साड़ी सुरत मत मन बुद्ध ने कबूलिया, मतलब हुण पूरा शब्द है ना वो साड़ी सुरत मत मन बुद्ध ते चलेगा। जदों यह चीज क्लीयर हो जाए तो गुरु साहब कहते पे ने पिंगुल पर्वत पार परे। मेरे को 20 मिनट रह गए ने, मैं चार बंद पूरे करने ने, बिल्कुल एकाग्रता बना के रखना। पिंगला ओ जिदे हाथ पैर कम ना कर दे। गुरु साहब भी कहते पे ने असल पिंगला कौन है? गुरु साहब कहते पे ने जे तू रब नू मिलना चाहते ना, जे तू रबी जिंदगी जीना चाहते हैं, वह सच नाल इंबरेस करना चाहता है, एक काम कर, पता की? अखां तू बगैर वेख। असी कहांगे हद हो गई, अखां ते मिलिया देखण लई ने, तुसी कहते पे ना अखां तो बगैर वेख। गुरु कहते हाँ अखी बाजों वेखना, अखां तो बगैर वेख। हुण गल इत्थे नहीं रुकी, गुरु साहब कहते हैं जे तू सच नू इंबरेस करना चाहता है ना, दूजा काम कर, करना तो बगैर सुन। असी कहांगे हद हो गई, कुदरती नियम अनुसार कान मिले ताकि असी सुन सकीए, तुसी कहते पे कान तू बगैर सुन, ऐ तो बिल्कुल नामुमकिन गल लगती पई है। गुरु कहते पे ने नहीं, अखी बाजों वेखना विन करना सुनना। अगे कहते पे ने गल इत्थे नहीं रुकी, जे तू रबी मिलाप चाहता है एक काम कर, काम नंबर 3, पैर तो बगैर चलना शुरू कर। अखी बाजों वेखना विन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना। कहते ने गल इत्थे नहीं रुकी, चौथा काम हम होर कर, विन हत्थां करना, तू काम करना है ना हत्थां तो बगैर काम कर। असीं कहांगे ना यह सारिया चीजों का बिल्कुल नामुमकिन है, अखां तों बगैर किवें वेखीए, कन्न तों बगैर किवें सुनीए, पैरां तों बगैर किवें चलीए, हत्थां तों बगैर किवें काम करिए। गुरु कहिंदे मैंने लिस्ट खत्म नहीं, अगे होर चल। अखी बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना जुबान तों बिना बोल। कहिंदे ने जीबे बाजों बोलना क्यों जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। अखीर विच लफ्ज़ वरतियो ने क्यों जीवत मरना, टॉपिक खुल गया। इधर जींदे जी मरण की गल चलती पई है, गुरु साहब कहते पे ने जेड़िया अखां दे विच मेर तेर है ना, धर्म के नाम से झगड़ा कर दिया ने, जेड़िया अखां दे विच जात पात है कि मैं वड्डी जात है छोटी जात, जेड़िया अखां एक दूजे नूं प्यार नाल नहीं देखदियां ने उन्हां अखां नाल देखना छड्ड, जेड़े कन हर वक्त किसी की निंदिया सुन के खुश होंगे ने ना, असीं ते पता गुरुद्वारे भी क्यों जाने, यह देखने जाने मेरे तो ज्यादा कौन परेशान। अच्छा मेरे घर यह समस्या है, वो ये घर से यह समस्या, वो बड़ी तसली होगी।
ਇਹ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਲਾ ਪਕੜਨ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਿੰਗਲ, ਮੈਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਏ ਜਾਣੀਏ ਸਾਉ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਜਬ ਸਵਾਦ ਆਏ। ਬੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਗਲਤ ਅੱਖਾਂ ਸੀ, ਗਲਤ ਪੈਰ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੱਥ ਸੀ, ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਦੱਸਦਾ। ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਏ ਜਾਣੀਏ ਸਾਉ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਰੋਹਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਦੁਲਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤਾਏ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇੰਬਰੇਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਿਆਣੀਏ ਇਮ ਇਮ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਵੇ ਇਮ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਪੈ ਮਤਲਬ ਨਿਰਮਲ ਪੌ, ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਪੌ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ। ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲਾ ਪਕੜਨ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾ ਹੱਥ ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਸੁਰਤ ਬਣੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਗੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ ਆਏ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਆਇਆ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੈਰ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਅੱਖਾਂ, ਰਾਈਟ ਪੈਰ, ਰਾਈਟ ਅੱਖ ਆ ਗਏ। ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਵਕਤਾ, ਸਿਆਣਾ ਵਕਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਅੰਧਾ ਕੌਣ ਹਮ ਅੰਦੁਲੇ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਨੀ, ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਸਖਨਾ ਬੰਦਾ, ਅੰਧਾ ਅੰਧਾ ਕੌਣ, ਅੰਧੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾ, ਉਨਕੋ ਅੰਧਾ ਮਤ ਬੋਲੋ ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੰਨ ਤ੍ਰਿਣ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆ ਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦਾਹ ਦਿਸ਼ੇ ਸਮਾਏ, ਤਿਸਤੇ ਪਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ
अज तक मैं अंधा सी, मैं ए समझ नहीं पा रहा सी कि तिस ते पेन नहीं कोई था, उस तिस दा मैं भी ते हिस्सा हाँ ना यार, ओ नियम मेरे अंदर भी ते कम करदे पए ने, खालक खलक मैं भी ते खलक हाँ ना, सबहगट राम बोले मैं भी ते उसका हिस्सा हाँ ना, कट कट मैं हर जुग से मैं भी ते कट कट दा हिस्सा हाँ, ओ जदू हर जगह ओ नियम पूर्ण तौर ते चलदा पे, मैं अपनी जिंदगी नू जदू उस नियम दे विच ले आया, होना की है अंदुले त्रिभवन सूजया, गुर पेट पुनीता ज्ञान दे आसरे मैं एक पवित्र जिंदगी वाला बन जावांगा, हुण जिन्नी भी मेरी उम्र होए उस उम्र दे विच मैं किसी दा नुकसान करके जिंदगी नहीं जीनी, मैं कुछ क्रिएटिव बन के जिंदगी जीनी है। गुरु साहब कहंदे पए ने ए पता किवें वापरना है, ए जद तां वापरना है जदों महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, जदों तू सच दी संगत कीती दूजा बंद, ऐसी भगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता, भगत दे तत्ते नू सिहारी, जिधर भी मेरा तुहाडे नाल पहली बारी अज तुहाडे नाल गल्लां बातां करदे पिया, विचार करदे पिया, मैनू नहीं पता पर मैनू वीर जी ने दस्सिया सी 100 तों वध क्लासां हो गईआं ने, मैं पक्का शोर हाँ इस सारी बुनियादी नुक्ते ते आप जरूर डिस्कस कर चुके होवोगे, इसलिए मैं माफी मांगदा, बट फिर भी एक टूक मात्र जिक्र कर जावा, गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिधर भी भगत दे तत्ते नू सिहारी लगी हुई उहदा भाव भगती, जिधर भी भगत दे तत्ते नू औंकड़ उहदा भाव एक भगत दी गल, जिधर भगत दा तत्ता मुक्ता बहुते भगतियां दी, जिधर तत्ते नू सिहारी उहदा मतलब भगती, असीं की कहांगे भगती दा मतलब चौकड़े मारो अखा बंद करो, ना 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 ना, गुरु कहंदे भगती दी परिभाषा समझनी है, गुरु साहब कहंदे पए ने विन गुण कीते भगत ना होए, जे तेनू लगदा है रोज अपने आप नू इंप्रूव करे बिना, रोज जिंदगी दे विच गुण धारण कीते बिना, अपने आप दी स्वय प्रचोल कीते बिना तू भगती कर रहे हैं, ए तेरा वहम जरूर हो सकता है पर गुरु दावा करता है विन गुण कीते भगत ना होए। जदों भगती दी परिभाषा समझ आई, गुरु साहब दूजे बंद विच अज समझांदे पए ने ऐसी भगत गोविंद की, जदों मैं ए गुणा वाली भगती कीती होया कि कीट हस्ती जीता, कीड़ी ने हाथी नू जित लिया है, कीड़ी हाथी नू किवें जीत सकदी है, कबीर साहब दा इना एक बड़ा प्यारा वचन मैनू चेते आया, कबीर साहब दा शब्द है जिथे स्पष्ट करदे ने, कबीर साहब कहंदे पए ने दुनिया होशियार बेदार जागत मुसीयत होरे भाई, निगम होशियार पहरुआ देखत जम लै जाई रहाओ, नीम भयो आम्ब आम्ब भयो नीम्बा, केला पाका चार नालियर फल सेबर पाका, मूरख मुगद गवार, अगे पढ़ो, हर पयो खांड रेत में बिखरे, हस्ती चुन्यो ना जाई, कहे कमीर कुल जात पात तज, चींटी होए चींटी होए चुन खाए, जे रेत दे विच चीनी शक्कर मिल गई होए ना, हाथी दे विच ओ समर्था नहीं कि ओ ची ओ रेत दे विचों ओ चीनी दा दाना कड़ सके, समर्था किदे अंदर है, चींटी दे विच मूंगी दे विच, पलिया पुरखा तू आफर आफर के अंकार विच हाथी वांग जींदा पिया सी ना, जदों तू निक्की जी सियानी मत ओ टेक्निक समझ लई ना, उस निक्की जी सियानप दे नाल, असीं कहिंदे ना कोई कोई शॉल नू वेखो, कोई चादर नू वेखो, कहिंदा जो हैंडमेड हो कितने बारीकी से काम किया गया, जितना बारीकी से काम किया गया उतनी उसकी कीमत बड़ी, जदों उसी ढंग नाल असीं बारीकी दे नाल अपनी जिंदगी नू उसारिया मजबूत कीता चंगे काम कीते, गुरु साहब कहंदे पए ने ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता, ओ जो कीड़ी सी सियानप सी निक्की मत सी निम्रता सी बरीकी नाल हर काम करन दा, हैव दैट पैशन विद इन यू कि मेरे काम दे विच गलती किवें हो सकती, उहदे लई जदों पैशन आएगा ना
फिर मैं हर चीज पर बिल्कुल ध्यान दा के काम करांगा। उन्होंने कहते पे ने वो सियानी सोच कीटी हस्ती जीता, वो आफरी हुई अंकार नाल परी हुई हाथी मत नु जित लिया, जो जो कीनो आपनो तिस अपै दान दीता। असि कहांगे रब ने जिस जिसनो अपना करके मन लिया उसनो निर्भयता का दान मिल गया। फिर तो साढ़े को बहाना मिल गया ना, मेरे ते कृपा नहीं हुई है, मेरे ते वो सच दी बारिश नहीं हुई है। फिर ते कोई कदे कोई बच्चा कहे, बच्चे नु कहो कि पढ़ाई कर, वो कहेगा जद मेरे ते कृपा होएगी मैं पढ़ाई करांगा, जद मेरे ते कृपा होएगी मैं नशे छड़ांगा ना। सच दी कृपा हर वक्त हर थां बिना विचले ते चलदी पई है। साडा भांडा पुठा जदों असीं भांडा सीधा कर लिया उहदे विच मीह पै जाणा। जदू ए भगती का भाव समझ आ गया, जो जो कीनो आपनो, हुण समझ आ जाएगा हर चीज मैं ए समझ के कि हर जगह सच का नियम चलता पे है, वो अपनीयत दे विच हर चीज का मैं अपना फर्ज समझांगा, अपना फर्ज समझ के मैं जेड़ा जेड़ा काम करांगा। फिर पता की होएगा, मैं बेनती करांगा 10 मिनट लिए प्लीज जेड़े अनम्यूट ने अपने आप नु म्यूट कर लो, थोड़ा विचार कर दें। ओख हुंदी है जेड़े जदों ए सच दी विचारधारा दे अनुसार मैं जिंदगी जियांगा, जदों मैं ए चीज समझ ली कि ओ कम मैं अपने समझ के करांगा, मैं अपने पैरां ते खड़े होवांगा, ते पता की होएगा मेरी पाप दी बिरती खत्म, क्योंकि हर बंदा भी मैनू अपना नजर आंदा पे। हुण हर बंदा अपना नजर आंदा पे मैनू धोखा दे ही नहीं सकदा। डरदा कौन है? गुरु साहब स्पष्ट करदे ने सो डरे जे पाप कमांदा। डरदा वो है जो पाप करता है, धर्मी विकसे, जो पाप नहीं कमा रहा वो डर ही नहीं सकता। फिर मतलब की निकलिया, जदू मैं हर चीज नू अपना समझिया, हर मनुख नू अपना समझिया, जो जो कीनो आपनो, पाप तो मैं कर ही नहीं सकता, तिस अभय दान दीता, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर निर्भयता आ गई क्योंकि मैं गलत काम किते नहीं। तीजा बंद गुरु साहब कहते ने सिंह बिलाई होए गयो, शेर बिल्ली बन गया। असि कहे नहीं जी बन सकते, गुरु कहते शेर बिल्ली बन गया तो बनेगा? हाँ बिल्कुल बन सकता है। ए जो मेरे अंकार नाल भरे हुए ख्याल सी, मैं सच नु सुनना ही नहीं चाहता सी, गुरु साहब कहते पे ने सिंह बिलाई होई गयो, ओ अंकार नाल भरी हुई मत भी निम्रता धारण कर ली। जदों मनुख दे अंदर एक ह्यूमिलिटी आ जाएगी, बंदा रोज सीखेगा त्रिन मेर दिखीता, ओ चीजा जो पहले मैनु तिनके वांग नजर आंदियां सी, ओ हुण मैनु मेर पर्वत वांग नजर आंदियां। मतलब असी कई बारी कहंदे ना यार सच के आसरे जिंदगी जीने का क्या फायदा, जो धोखा करते हैं उनको यही मिल जाता है। यार ईमानदारी से जीने का क्या फायदा, यार सच बोलने का क्या फायदा। मैंने चेता है एक बार ना एक जगह से ड्राइव करते पे सी, मेरे नाल कौन सज्जन सी, मैं उसका जिक्र ऑफकोर्स नहीं करांगा, ते करते पे सी, ते सिंगल रोड सी। हुण सिंगल रोड है ते मैं एक पासे ड्राइव करता पे, सामने ट्रैफिक आ रहा है, ते ऑफकोर्स गलत पासे जाके ओवरटेक नहीं करांगा, ते सामने थोड़ा जना पासा खाली आया ते मैं ओवरटेक नहीं करांगा, मैं क्योंकि ना सामने उस पासे नजर नहीं आ रहा, ट्रैफिक तेज है, नजर नहीं आएगा किसी नूं लग सके। मेरा नाल जिहड़े पिछे कार सी ਉਹ ਚੱਟ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਾ ਥਾ, ਤੂੰ ਯਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਅਟਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਉਸਨੇ ਰੂਲ ਤੋੜਾ, ਵੋ ਆਗੇ ਨਿਕਲ, ਤੂੰ ਯਹਾਂ ਅਟਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਰੂਲ ਤੋੜਾ ਵੋ ਆਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਲਤ ਲੇਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਅਟਕਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੇਲੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਆਇਓ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਭਲਾਈ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ,
त्रै मिनट रह गए ने, मैं छेती खत्म करना है। फरीद साहब कहते ने, फरीदा खाक ना निंदिए, खाकू जेड ना को, जीवन दे पैरां तले मोया उपर हो, खाक ना, खाक दा इधर भाव समझो, जदों सच ते टुरो ओ विशडम जड़ी मैनू समझ आती पी, उसनू कहते ने खाक, उसनू ना निंद, उस रस्ते नू ना निंद। फरीदा खाक ना निंदिए, खाकू जेड ना कोए, पर एक चीज है, जीवन दे पैरां तले जदों तू अंकार नाल जिंदा है, तू अपनी आई मी माइसेल ते जिंदा पे है, तेनू ओ सच वाला रस्ता बड़ा छोटा नजर आना है। जीवन दे पैरां तले पर मोया, जदों तू अपने आप नू शब्द मरो, अपने आप नू शब्द नाल अपनी ईगो नू मारता मोया उपर होए, तेनू समझ आ जाना यार इस रस्ते वर्गा ते होर कोई रस्ता ही नहीं सी। जदों ओ पेशेंस आ गई, कमिटमेंट आ गई, गुरु साहब कहंदे पए ने सिंह बिलाई होए गए त्रिन, ओ जो सच दा रस्ता जो मैनू अज तक पहले तिनके वांग नजर आंदा पिया सी, सच दी संगत कीती, मेर दिखी ता मैनू ओदी इंपोर्टेंस समझ आ गई। श्रम करते दम आड़ को, छोटी छोटी चीज लई मैं ठगी मारदा सी, झूठ बोलदा सी, श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता, हुण सच दी संगत कीती, पता पता की लग्या, ओ मैनू पता लग्या, हम तनवंत पागट सचनाए, हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निधाना, रतन लाल जा का कछु ना मोल, परे पंडार अखूट अतोल। खावे खर्चे अपने एक एक इंद्रे नू मैं वंडिया ना, अखां ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गए, पैर ठीक हो गए, खावे खर्चे रल मिल पाई, टोट ना आवे वधदो जाई। हुण मेरे जीवन दे विच ओ एक मुकाम आना है कि जदों मैं रोज सीखण लई तत्पर रहांगा, अखीरले बंद विच कहिंदे पए ने बस उसी नू कहिंदे ने कवन वडाई कह सकदा, बेअंत गुणीता। सच दी संगत मिली ते पता लग्या हे कुदरती नियम दे जिस जगह देखो हर जगह तो मैनू कुछ सीखण लई मिलदा पे, बेअंता बेअंत गुण तेरे के तक गावा आराम। हुण एक चीज समझ आ जाएगी, जदों सच दी संगत कीती मेरे अंदर जो सुधार आना शुरू होया, मैं उधर रुकांगा नहीं, रुक गया, खड़ा होया पानी ना स्मेल करदा है, खड़े हुए पानी विच कीड़े आंदे ने, जदों मैं कह लिया कि नहीं ओ कुदरती नियम इतनी परफेक्ट है, मैं रोज अपने आप नू परफेक्ट बनाने की कोशिश करांगा, मैं अपनी जिम्मेवारी आप चुकनी शुरू करांगा। गुरु साहब कहंदे पए ने कवन वडाई कह सको, यार मैं केड़े केड़े गुण बयान करा, बेअंत गुणी, तब बस मैं इतना तरला, इतनी कमिटमेंट है जो मैं अपने आप नाल कमिटमेंट करदा पिया, कर कृपा मोहे नाम दे, नाम दा मतलब हुक्म, मैं तेरे हुक्म दे अनुसार जिंदगी जीनी शुरू करदा। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है, सच दी संगत हो जिधर एक नाम की चर्चा हो, पर एक नाम की है, गुरु साहब कहंदे ने एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, ओ एक नाम हुक्म है, हुक्म दा भाव लॉज ऑफ नेचर। जदों मैं कह लिया कि कर कृपा मोहे नाम दे नानक दर सरीता, हुण मैं सच दे अगे अपने आप नू सरेंडर कर दिता, मंगता बना लिया, मैं समझ गया मांगना मांगन नीका, हर जस गुर ते मांगना, हुण मेरी जिंदगी दा एक कमिटमेंट आ गया है। गुरु साहब जो मैनू प्यार नाल समझांदे पए ने, ओ भलिया पुरखा लोगां नू ना निंद, किसी नू साध ना आख, किसी नू साकत ना आख, ऐ स्वय प्रचोल कर कि केड़ी थॉट प्रोसैस नाल मैं साधिया जावांगा ते केड़ी थॉट प्रोसैस नाल मेरी साकत दी बिरती बनदी पई है, उसनू कहिंदे पए ने संगत करनी। जदों ओ वाली सच दी संगत करनी शुरू कर दांगा, मेरे जीवन दे विच ओ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिस ट्रांसफॉर्मेशन दा जिक्र गुरु अर्जन साहब अज दे शब्द विच पूरी मनुखता नू समझांदे पए ने। गुरु साहब कहिंदे पए ने महिमा इंपोर्टेंस सुनना भाई, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अघरे निर्मल भाई चीता, तेरा जीवन भी मैल तो रहत हो जाएगा, तेरा जीवन भी सोना बन जाएगा। पहली बारी आप शब्द विचार की है, जूम दे विच ऑनलाइन विचार करनी औखी होंगी, वो फील नहीं आता, बट तुहाडी एकाग्रता नाल मैनू भी विचार करदा आनंद आया, तुहाडे सारयां दा बहुत बहुत धनवाद, होईयां गलतियां दी क्षमा मंग, गुरु ग्रंथ साहिब बख्शन, फिर सुबारा सबना दा धनवाद, असीस दियो फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਫੋਰਵਰਡ ਐਂਡ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਫੋਰਵਰਡ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇਖੋ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੈਸੇ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਚੁਗਣਾ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸੈਪਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਤ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਬੰਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਕਲੂਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਇਹਦਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅੰਕਾਰਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬਸ ਕੇਵਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ ਤੁਮ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੁਮਸੇ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਮ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈਦੇ ਅਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਪੜ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੜੀਏ ਨਾਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜੀਏ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝੀਏ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਏ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਧਰ GPS ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਬਣਿਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਤ ਪਥਿਕ ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਤ ਪਥਿਕ
तह मार्ग ना तारे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए तू चलिया ते है नहीं उस राह ते दस उस सच्चे राह ता सच न एम्ब्रेस किवे हो पाएगा बुझो धरन पाई सब देंदे ने पूछत है बैद खात औखत ना संजम से डॉक्टर को गया डॉक्टर साहब ए पीड़ा ए कमजोरी फील होंदी पई है डॉक्टर कहंदे शुगर है जलेबियां खाई नाल गुलाब जामुन भी खाए कहंदे खाए कहंदे अज तो बाद ना डॉक्टर दा धन्यवाद भी कीता फीस भी दित्ती समझ आयो असीं भी जांदे आ ना गुरुद्वारे गुरु नूं धन भी आखदे आ मत्था भी टेकदे आ पर की जिस चीज तों परहेज रखण लई गुरु ने कहा है ते जिहड़ी दवाई खाण नूं सच ने सुनेहा दित्ता है कि मन्निया नहीं मन्निया ते भाई साहब कहंदे पए ने पूछत है बैद भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने पूछत है बैद खात औखत ना संजम से जिंदगी विच संजम ते रखिया नहीं कैसे मिटे रोग सुख सहज समय रोग किवें मिटेगा कीजिए एग्जाम्पल पूछत सुहागन है करम दुहागन के हृदय विचार कत सेजा बुलाइए एक जीव इसी दूजे को पूछदी है दस तेरी घर विच इवें शांति किवें इवें सुख किने खेड़ा किवें उन्हें दसिया बड़ा सिंपल तरीका है जिंदगी दे विच शांति लिया टिका लिया पेशेंस लिया उसनों कहंदे ने सुहागन हुण ए चीज लिया उन्हों क्या धनवाद थैंक यू पुछना गुनाह नहीं दसना गुनाह नहीं पर घर पहुंच के फिर दोबारा ओ चीख चिहाड़ा मचाया सच दे राह ते चली ना ते की तेरे घर विच शांति आ सकती हुण ऐसी सारियां एग्जाम्पल पूछत पथिक तह मार्ग ना तारे पग प्रीतम के देश कैसे बातन सजाइए पूछत है बैद खात औखत ना संजम से कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए पूछत सुहागन है करम दुहागन के हृदय पे विचार कत सेजा बुलाइए फैसला सुनंदे ने गाए सुने आखे मीच बढ़िया समाधियां लाइया जदों कीर्तन हो रहा सी इस तरह झूलिया कथा हुई इस तरह झूलिया लग्या अज ते बंदा बिल्कुल सुधर गया कर देगा पर होया कि गाए सुने आखे मीचे पाइए ना परम पद को कुछ नहीं मिलना अब तक गुर उपदेश गह गह गुर उपदेश गह जो लो ना कमाइए यार जो जो चीज तेरे को आज समझ में आ रही है ना उसके साथ अपनी जिंदगी को आगे एक आईना लेके बैठ और रोज तू अपने आप में सुधारना शुरू कर दिता जेड़ा जेड़ा सुधार आना शुरू करेगा एहो जा मोटिवेशन पैदा करेगा तेनों समझ आ जाएगा इदा ते अंत कोई है ही नहीं जदों तू रोज क्रिएट जदों एक बंदा मान लो उसकी डाइट गलत है परेशान हो रहा है उन्हें जदों कुछ हफ्ता महीना परहेज रख के अपनी डाइट ठीक करनी शुरू की ना उन्हें देखा यार मेरे को ना 40 की पैंट आती थी अभी 38 के पहुंचने वो तो मन करेगा ना 34 तक 32 तक पहुंचता बस इसी ढंग नाल जदों सच दे आसरे उसनों कहंदे पे ने बुझना जदों उस आसरे जिंदगी जीनी शुरू कर दी फिर उसका अंत लभना नहीं है क्योंकि जब तक साढ़े श्वास ने तद तक असं रोज सुधरन लिए जिंदगी जियांगे डिस्ट्रक्शन लिए क्रिएशन लिए जियांगे उस बुझन नूं असीं किसी क्लास में होर थोड़े विस्तार जरूर समझने की कोशिश करेंगे जी जी